हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 5 जियो क्वालिटीज इन इंग्लिश 2021 और ये क्वालिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि पांचों जो क्वालिटीज हम बताएंगे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेंगी। ओके, तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद में बेल आइकन होगा जिस पर आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होंगी वो मिलती रहेंगी। जिसको हम बंद करते हैं यहाँ से और टाइम वेस्ट करें, मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माई जियो की एप्लीकेशन उसको खोल लेना है। तो क्वालिटी जो लगाते हैं हम यहीं से लगाते हैं, हमको यहाँ पे आसान रहता है क्योंकि हम क्वालिटी जितनी चाहें बदल सकते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको जियो ट्यून्स का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आपको जियो ट्यून्स के सेक्शन में चले आने, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ओके, देख सकते हैं टॉप पे राइट साइड पे सर्च करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। जो फिफ्थ नंबर पे जो सॉन्ग को हमने रखा है उसे हम सॉन्ग को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो सॉन्ग का नाम है स्केयर्ड टू बी लोनली। ओके, आपको इस तरह से सर्च कर लेना है और यहाँ पे हम इस सॉन्ग को आपको प्ले करके भी दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो देख वाला जो है वो एक्चुअली ये बियॉन्से का सॉन्ग है, तो ये वाला सॉन्ग नहीं जो हमने लिस्ट किया था, जो सॉन्ग एक्चुअल में है वो ये है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्केयर्ड टू बी लोनली। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे ये आपको सॉन्ग दिख रहे होंगे, इनमें से आप जो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ जो इनमें से आप कोई सा भी प्ले करना चाहे प्ले करके आप लगा सकते हो क्वालिटी। ओके, इसको हमने नंबर फिफ्थ पे रखा था। ओके, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये। और नंबर फोर पे जो सॉन्ग हम रखते हैं उसका नाम है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं CIO क्या हो एडियोस, इसका मतलब क्या, एडियोस का मतलब होता है हाई गुड बाय, ये सॉन्ग है। ओके, एन अमेरिका। ओके, तो ये देख सकते हैं ये सॉन्ग है, इनमें से आप जहाँ से भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो ये क्या वीडियो जो सेकंड वाले उसको हम प्ले कर देते हैं। ओके, तो ये जो सॉन्ग तो हमने प्ले कर दिया, तो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आ गया इसको लगा सकते हैं क्वालिटी में। इस सॉन्ग को हमने रखा था नंबर फोर्थ पोजीशन पे, अब जिस सॉन्ग को हम नंबर थर्ड पोजीशन पे रख रहे हैं उसका नाम है दिस इज व्हाट यू केम फॉर, रियाना का ये सॉन्ग है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और कैल्विन हैरिस के साथ आई थिंक। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सर्च करना है दिस इज़ व्हाट यू केम फॉर, उसके बाद आपको बहुत सारे सॉन्ग मिलेंगे, तो आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो वह देख सकते हैं नीचे आ रहे स्क्रीन पे, नीचे आ रहे हम आपको लोगो बता देंगे वो किस तरह का दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे आना है, और यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा होगा दिस इज़ व्हाट यू केम फॉर कैल्विन हैरिस। ओके, तो आपको इसी सॉन्ग को प्ले करके आपको इसको क्वालिटी में लगाना है, तो हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। ओके गाइस, ये जो सॉन्ग था ये हमने प्ले कर दिया है, और बाकी ये जो हम सॉन्ग है इसको फुल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो इसको हम कुछ सेकंड के लिए बस प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सॉन्ग था इसको हमने रखा था थर्ड पोजीशन पे। अब जो सेकंड नंबर पे हमने सॉन्ग को रखा है वो आपको कभी आई थिंक आपने सुना नहीं होगा, बहुत पहले आपने शायद सुना होगा। तो ये जो सॉन्ग है इसको यहाँ पे इसका नाम है लवर्स ऑन द सन, तो यहाँ पे आपको LOVERS लवर्स ऑन द सन इस तरह से आपको सर्च करना है। ये भी कैल्विन हैरिस का सॉन्ग है आई थिंक, तो आपको इस तरह से यहाँ पे सर्च कर लेना। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लवर्स ऑन द सन, उसके नीचे लिखा होगा हॉट राइट नाउ, तो आपको यही वाला प्ले करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये सॉन्ग था, इसको आप खुद से भी प्ले करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आएगा। ओके गाइस, तो जो लास्ट नंबर पे जो हमने जिसको नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रखा है जिस सॉन्ग का, उस सॉन्ग का नाम है राइट इट। और गाइस, ये सॉन्ग जो है मतलब इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और ये सॉन्ग जो गाइस इसमें आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे आप राइट इट सर्च करेंगे तो आपको बताते हैं आपको कैसे ढूंढना है। जिसके लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना, देख सकते हैं आपको बहुत सारे सॉन्ग मिलेंगे, आपको नीचे आते जाना है। ओके, तो हम बता देंगे उस पर इमेज कौन सी बनी होगी, वो ये जो सॉन्ग है नंबर वन पे जिसको हमने रखा है, ये मेरा मतलब फेवरेट सॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा हमको पसंद है सॉन्ग, तो आप भी इसको सुनिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आएगा सॉन्ग राइट इट। ओके, आपको नीचे आते जाना, देख सकते हैं इससे स्क्रीन पर नीचे आ रहे हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग मिलेंगे, ऐसे आपको नीचे आते जाना है, और यहाँ पे पहले ही शो करता था लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा नीचे शो करने लगा, जब हम राइट इट सर्च करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे प्ले करके उस सॉन्ग को। ओके, देख सकते हैं आपको ऐसे नीचे आते आना है, जैसे वो सॉन्ग हमें दिखेंगे आपको बता देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं। ओके, देख सकते हैं हम यहाँ पे सॉन्ग मिल गया आपको, राइट इट लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ है राइट इट, और डीजे रिगार्ड ये सॉन्ग है। ओके, यहाँ पे हम प्ले कर देते हैं।
ओके गाइस, तो ये नंबर फर्स्ट पे मैंने सॉन्ग को रखा था। तो गाइस ये वाला सॉन्ग ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो राइड इट, इसको आप ज़रूर चेक करिएगा, यूट्यूब पे प्ले करके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।